हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने उत्तराखंड की LTC से भर्ती, जिसमें आपके पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, तो अलग अलग विषय में निकाली गई है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर योग्यता और कुल कितने पद हैं और कैसे कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, इसके लिए पूरी डिटेल में हम जान लेते हैं आज की इस न्यू वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है जनता इंटर कॉलेज चौड़ चैनपुर पौड़ी गढ़वाल। तो यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल में निकाली गई है 29/7/2022 को और 21 डेज की लास्ट डेट है, 21 डेज आप ऐड कर लीजिएगा। 20 तारीख से पहले पहले आपको यहाँ फॉर्म फिल कर देना है हर हालत में। LT में निकली है मैथ्स की पोस्ट, सामान्य की है, 54,900 सैलरी आपकी मिलेगी। और LT में व्यायाम शिक्षक की निकली है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 54,900 जो आपकी LT ग्रेड में मिलती है। महिला पुरुष दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे इसमें। और LT हिंदी की है, इसमें जो है EWS कैंडिडेट ही आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। और साथ में आपकी कलर की पोस्ट भी है, कलर की पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 12th बेस वाले, ठीक है। 12th पास होना कंपलसरी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इन सब के लिए आपके पास BEd होना कंपलसरी है, UTET या CTET सेकंड होना कंपलसरी है। और व्यायाम हिंदी शिक्षक के लिए आपके पास अंग्रेजी होना जरूरी है, सॉरी हिंदी के साथ आपके पास संस्कृत होना जरूरी है, संस्कृत होना जरूरी है कहाँ पर, इंटर में या आपके ग्रेजुएशन में। और BEd होना कंपलसरी सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पर जो है पौड़ी गढ़वाल जनपद में 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से मिलेगा, तो वहीं से आपको फॉर्म भी मिलेगा, डिमांड ड्राफ्ट भी आपको जमा करना है वहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो यहाँ पर शुल्क जमा करने के बाद आपको फॉर्म फिल करने के बाद से आपको क्या करना है, वो फॉर्म को 21 दिन के अंदर का जो है पंजीकृत डाक के द्वारा आपको उस कार्यालय तक पहुँचाना पड़ेगा, डाक के द्वारा, बाई हैंड नहीं होगा जमा, डाक से भेजना पड़ेगा। इसमें उत्तराखंड के स्थायी निवासी अप्लाई कर सकते हैं। सेवायोजन कार्यालय में आपके पास पंजीकरण होना चाहिए नवीनतम डेट लास्ट डेट से पहले पहले का। और बाकी आपको यहाँ पर जो नियम दिए गए हैं वो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन क्या है, और बाकी इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, टॉप फॉर्म फिल करने का टॉप 7 कैंडिडेट की लिस्ट आती है जैसे कि आपकी आजकल आ रही है, और उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के द्वारा आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और टॉप कैंडिडेट 7 में लिस्ट आने का मतलब ये है उनकी गुणांक बनती है, इनकी मेरिट बनती है आपके नंबरों के अकॉर्डिंग जो गुणांक आपके होते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है।